महोदय, मैं सबसे पहले देश की राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कर्पूरी, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी को कीप द पेपर अवे फ्रॉम माइक यस देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जहां एक और कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, वहीं दूसरी ओर अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके 11 दिन के बाद उस राम जन्मभूमि आंदोलन के जो प्रणेता हैं, महानायक हैं, उनको भारत रत्न का सम्मान देकर देश के करोड़ों राम भक्तों का सम्मान किया है। सर, इंडिया इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ बिकमिंग इकोनॉमिक सुपर पावर ऑफ वर्ल्ड। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और जब दूसरी बार 2019 में प्रधानमंत्री बने तो 2023 में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। महोदय, ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। 2014 से 2023 के बीच इंडियाज जीडीपी ग्रू बाई 85%, यानी 14 से 23 के बीच में इंडिया का जो जीडीपी था दैट ग्रू बाई 85%, यूके का 3%, फ्रांस का 2%, रशिया का 1%, इटली का 0% और ब्राज़ील का -15%। क्योंकि इस दौरान भारत का जीडीपी 85% ग्रो किया, इसी का परिणाम था 85% ग्रो किया, उसी का परिणाम था कि भारत 2023 में यूके, फ्रांस, ब्राज़ील, कनाडा, इटली, रशिया को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और सरस्वती महोदय, 2024 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2027 में जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत बन जाएगा। सरस्वती महोदय, 2027-28 में हम केवल दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं बनेंगे, हम $5 trillion की इकोनॉमी, यानी 413 लाख करोड़ की हम इकोनॉमी बन जाएंगे। और प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में और बनाने का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। सती महोदय, आज भारत केवल दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी केवल अर्थव्यवस्था नहीं है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार भी है। अमेरिका, चाइना और जापान के बाद इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ऑफ वर्ल्ड। हम एक साल पहले हांगकांग हमसे ऊपर था, हम 5वें नंबर पर थे, लेकिन एक साल में हांगकांग को पीछे छोड़कर आज इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है वो दुनिया के अंदर चौथे नंबर पर है। उसी प्रकार स्वाति महोदय, आज भारत सबसे तेज विकास दर वाला देश है पूरे दुनिया के अंदर। अभी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2024 में प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार पूरे दुनिया की विकास दर 3.1% रहेगी, यूएस की 2.5, जर्मनी 0.5, फ्रांस 1,
इटली 0.7 एंड जापान 0.9, यूके 0.6, चाइना 4.6 और भारत 7.3% की विकास दर के साथ दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से विकास हासिल करने वाला देश होगा। सती महोदय, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस नंबर ऑफ रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स। और सती महोदय, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, हम नंबर दो किन चीज़ों में हैं? राइस, वीट, शुगर केन, ग्राउंडनट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, कॉटन, एक्वाकल्चर, इन चीज़ों में आज भारत पूरे दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर है। और साथ ही साथ मोबाइल फोन के उत्पादन में भी आज भारत पूरे दुनिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स इन दिस वर्ल्ड। क्रूड स्टील, कोल, अल्मोनियम, इसमें भी हम पूरे दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर हैं। सती महोदय, जहाँ तक तीसरे नंबर की बात है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, पावर प्रोडक्शन, फॉरेस्ट गेन एरिया, इसमें हम पूरे दुनिया में हम तीसरे नंबर पर हैं। और चौथे नंबर पर विंड पावर कैपेसिटी, सोलर पावर कैपेसिटी और रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी में भारत चौथे नंबर पर है। तो हम यूँ ही अचानक पाँचवें नंबर पर नहीं पहुँच गए, इसके लिए इतना मेहनत और इतना प्रयास करना पड़ा है। सती महोदय, बचपन में हम लोग सुनते थे गरीबी हटाओ। मैं दसवीं कक्षा में था, इंदिरा जी कहती थी, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। लेकिन आज 50 साल से ज़्यादा हो गया, गरीबी हट नहीं पाई। लेकिन आपको मालूम है कि नीति आयोग ने जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो आंकड़ा प्रकाशित किया है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर 25 करोड़ गरीबी की जंजीर से मुक्त हो चुके हैं। और सती महोदय, 13-14 में जहां 29.17% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में थे, वहां 22-23 में घटकर 11.28% बचे। और मैं यूपी को धन्यवाद देना चाहूँगा जहाँ 6 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जहाँ 3.77 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। सभापति महोदय, नरेंद्र मोदी जी के पहले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले थे और अब 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग ये न्यू मिडिल क्लास इसके अंदर ये प्रवेश कर चुके हैं। आखिर जब गरीबी से बाहर निकलेगा तो वो मिडिल क्लास में प्रवेश करता है। और सती महोदय, जो एवरेज रियल इनकम ऑफ पीपल हैव इंक्रीज बाई 50%, आम आदमी की जो औसत आय है उसमें 50% की वृद्धि हो चुकी है। पीपल आर लिविंग बेटर, अर्निंग बेटर, विद बेटर एक्सपेक्टेशंस फॉर द फ्यूचर। और सती महोदय, अगर 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं तो उसमें नरेंद्र मोदी का प्रयास है। 4.10 करोड़ गरीबों को पक्का मकान, जिस पर 6 लाख करोड़ खर्च हुए हैं। 11 करोड़ घरों में पाइप्ड वाटर सप्लाई, जिस पर 4 लाख करोड़ खर्च हुआ है। 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन, जिसमें 2.5 लाख करोड़ खर्च हुए हैं। और अगर 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन अगले 5 साल तक और दिया जाना है तो 11 लाख करोड़ अतिरिक्त व्यय होगा। नरेंद्र मोदी का एक ही सूत्र है, सैचुरेशन सैचुरेशन सैचुरेशन। हर स्कीम के अंदर कोई आदमी ना बचे, हर आदमी को संतृप्त कर दो, सैचुरेट कर दो, ताकि कोई बैकवर्ड नहीं, कोई फॉरवर्ड नहीं। सती महोदय, मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगा, केवल हमने गरीबी से लोगों को मुक्त नहीं किया है, इस देश के अंदर 22-23 में
170,000 लोग करोड़पति हैं। हमने करोड़पति की संख्या में भी इजाफा किया है। 2021-22 में जहां देश के अंदर इनकम टैक्स के ब्रैकेट में जिनकी 1 करोड़ की आय थी, आप भी शायद उसमें आएंगे, वैसे लोगों की संख्या 1,14,00,000 थी, वो 22-23 में बढ़कर 1,14,000 थी, वो 22-23 में बढ़कर 1,70,000 हो गई। सत्य महोदय, जहाँ 10 साल पहले प्रतिवर्ष 94,000 कंपनियाँ रजिस्टर्ड होती थी, अब ये संख्या बढ़कर 1,60,000 हो गई है। इनकम टैक्स रिटर्न जहाँ 3,25,00,000 लोग फाइल करते थे, वो संख्या बढ़कर 8,25,00,000 हो गई है। 2014 के पहले के 10 साल 13 करोड़ वाहनों की बिक्री हुई, जबकि पिछले 10 साल में 21 करोड़ वाहनों की बिक्री हुई। सत्य महोदय, 14-15 में 2,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके और 23-24 में दिसंबर तक 12,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री हो चुकी है। सत्य महोदय, डिजिटल गवर्नेंस में हम ग्लोबल लीडर हैं, हम पूरे विश्व के नेता हैं डिजिटल गवर्नेंस में। और आज अगर दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है तो भारत के अंदर हो रहा है। सत्य महोदय, डिजिटल इंडिया ने लोगों की ज़िंदगी और व्यापार को आसान बना दिया है। दुनिया के विकसित देशों में भी इस प्रकार का डिजिटल सिस्टम नहीं है। दुनिया भर के देश डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए पूरे दुनिया से लोग भारत के अंदर आ रहे हैं। सत्य महोदय, हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आधार, UPI, कोविन, API सेतु, डीजी लॉकर, आरोग्य सेतु, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उमंग, दीक्षा, ई संजीवनी, ई हॉस्पिटल, ई ऑफिस, ई कोर्ट, पोषण ट्रैकर, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, यानी आज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने ऐसा ढांचा खड़ा किया है पूरे देश के अंदर कि पूरे दुनिया के लिए वो एक मार्गदर्शन का काम कर रहा है। सत्य महोदय, मैं जियो कंपनी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने इंटरनेट और ब्रॉडबैंड को गांव-गांव तक पहुँचा दिया। जहाँ आज से कुछ साल पहले प्रति माह प्रति व्यक्ति 62 मेगाबाइट मोबाइल डाटा इस्तेमाल करता था, आज वहीं ये बढ़कर 18 गीगाबाइट प्रति माह मोबाइल डाटा इस्तेमाल कर रहा है। 200 GB, पहले 1 GB की कीमत थी 200 रुपये, आज 10 रुपये में और 1 GB डाटा उपलब्ध है। सत्य महोदय, वी आर ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स इन द वर्ल्ड। 14-15 में जहां 6 करोड़ मोबाइल फ़ोन बने थे, वहाँ 21-22 में संख्या बढ़कर 32 करोड़ हो गई है। और मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्ट जहाँ पर 14-15 में 1,566 करोड़ हमने एक्सपोर्ट किया, दैट इज़ इंक्रीज टू 90,000 करोड़ इन 2022-23। सत्य महोदय, हमने दुनिया को एक और चीज़ दी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जनधन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी। 34 लाख करोड़ 300 योजनाओं के अंदर DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र हुआ है और उसका परिणाम ये हुआ है कि 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द हो गया, 4,10,00,000 LPG कनेक्शन रद्द हो गए, और कितनी बचत हुई, 2,75,000 करोड़ जो पैसा गलत हाथों में जा सकता था उसको गलत हाथों में जाने से हमने बचा लिया। सत्य महोदय, इतना ही नहीं, LED बल्ब स्कीम के कारण इलेक्ट्रिसिटी बिल में 20,000 करोड़ की बचत हुई है। जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना, इसके कारण गरीबों को 16,000 करोड़ का क्लेम मिला है। जन औषधि केंद्र के कारण 28,000 करोड़ की दवा खरीद में बचत हुई है।
सब्सिडाइज्ड रेशन पर 20 लाख करोड़ खर्च हो चुका है। सप्ती महोदय, आयुष्मान भारत के कारण 3.5 लाख करोड़ की बचत नागरिकों को हुई है। फर्टिलाइजर अफोर्डेबल प्राइस पर लोगों को मिल सके, इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपया और खर्च किया है। इनकम टैक्स में जो रिफॉर्म्स हुए उसके कारण टैक्स पेयर्स को 10 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपये और उनकी बचत हुई है। सभी महोदय, आए दिन हम पर आरोप लगता है कि विपक्षी दल के नेताओं को फंसाया जा रहा है, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि देश के 14 राजनीतिक दल, कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, आप, एनसीपी, शिवसेना, जेएमएम, सीपीएम, सीपीआई, ये सारे दल सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने एक पीआईएल दाखिल किया और पीआईएल में ये कहा इन लोगों ने कि विपक्षी दल के लोगों को जानबूझकर तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। सत्य महोदय, मैं सुप्रीम कोर्ट और उसके जज कौन थे, उसके अंदर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पार्डी वाला, और चंद्रचूड़ ने क्या कहा, ऑपोजिशन्स रेमेडी इज इन पॉलिटिकल स्पेस नॉट इन कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वाइल डिसमिसिंग प्ली अगेंस्ट एलेज मिस यूजेज ऑफ ईडी एंड सीबीआई, तो जो लोग रोज आरोप लगाते ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, आप तो एक साल पहले गए थे सुप्रीम कोर्ट, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आपके पीआईएल को और खारिज कर दिया और कहा अल्टीमेटली द पॉलिटिशियंस आर ऑल्सो सिटीजन्स, एज सिटीजन्स दे आर एमिनेबल टू द सेम लॉज। चीफ जस्टिस ने कहा दैट पॉलिटिशियंस हैव नो राइट्स हायर देन दैट ऑफ अदर सिटीजन्स। आप उसके बाद क्यों नहीं गए, आप अलग अलग मामले को लेकर जाते। और सप्ती महोदय, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा सप्ती महोदय, अगर टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के घर पर और उनकी दोस्त अर्पिता चटर्जी के घर पर 28 करोड़ अगर नगद मिलता है, 5 किलो सोना मिलता है, तो क्या सीबीआई ईडी को चुप बैठ जाना चाहिए? ज्योति प्रिया मल्लिक जो रेशन घोटाले के अभियुक्त हैं, मंत्री थे, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, क्या जब वो इतने गंभीर आरोप हैं तो क्या सीबीआई ईडी को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? सप्ती महोदय, साहू क्या नाम था साहू का, नीरज धीरज साहू, अगर 350 करोड़ रुपया अगर किसी एमपी के घर में नगद पाए जाते हैं तो क्या सीबीआई को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? महाराष्ट्र में अनिल देशमुख, नवाब मलिक और सप्ती महोदय, यही लोग थे जो राफेल राफेल चिल्लाते थे, पेगासस चिपला चिल्लाते थे, चौकीदार चोर चिल्लाते थे और अडानी अडानी के नाम पर एक पूरा लोकसभा का सत्र उन्होंने पानी में बहा दिया। जी ठीक, लेकिन आज अडानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया? उसके बाद एक बार भी मैंने अडानी का नाम नहीं सुना। सप्ती महोदय, आज हेमंत सोरेन और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कह रहे कि मैं चुनौती देता हूँ कि कोई प्रमाणित कर दे, तो हेमंत सोरेन जी आप तो गए थे सुप्रीम कोर्ट, आपको क्यों नहीं बेल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों सुनने से इनकार कर दिया? सत्येंद्र जैन मेडिकल ग्राउंड पर बेल पर हैं, मेडिकल ग्राउंड पर। सती महोदय, आखिर संजय सिंह 6 महीने से जेल में, उनको कोर्ट ने क्यों नहीं बेल दिया? अगर निर्दोष थे, जानबूझ करके फंसाया गया, तो आपको क्यों नहीं बेल मिली? मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में है, 1 साल हो गया। सत्य महोदय, इस देश की किसी कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को और बेल नहीं दी। और सत्य महोदय, बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव जो 4 मामलों में सजा याफ्ता है, वो हमको प्रवचन दे रहे ईमानदारी का, और जो रेलवे में नौकरी के बदले जो जमीन घोटाले का मामला है, इतने पुख्ता प्रमाण है कि सती महोदय कि कोई इन लोगों को बचा नहीं सकता है। सती महोदय, आज देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है
जिसके पास लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है, जो सैलरी नहीं लेते हैं, अपनी सारी तनख्वाह की राशि दान कर देते हैं, उनके पर कोई कर्ज नहीं है, उनके पास कोई व्हीकल नहीं है, कोई लैंड का एसेट नहीं है, और नरेंद्र मोदी का जो बैंक बैलेंस है वो केवल 574 रुपया उनके पास बैंक बैलेंस है। तो सती महोदय प्लीज कंक्लूड जी, मेरा अगर 5 मिनट समय, योर पार्टी हैज टू टेक अ कॉल, अगर करके 5 मिनट अध्यक्ष सती महोदय, अभी राम जन्मभूमि का जो अनुष्ठान हुआ है, इस दुनिया में कोई ऐसा नेता जो 11 दिन तक नारियल का पानी पीकर रह सके, जो कंबल बिछाकर देश का प्रधानमंत्री जमीन पर सोता है, 11 दिन का अनुष्ठान करता है, अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, ये काम कोई ऋषि तुल्य योगी ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए सुरती महोदय, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि 1989 से 2014 तक इस देश में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। अल्पमत की सरकार, मिलीजुली सरकार, ब्लैकमेल, सौदेबाजी, खरीद फरोख्त, कमजोर सरकारें, समर्थन वापसी का दौर, क्या देश फिर इसी प्रकार की सरकार चाहता है? अटल जी की सरकार 13 दिन चली, 1 वोट से हार गई। चौधरी चरण सिंह को 23 दिन में इस्तीफा देना पड़ा, संसद का मुंह तक नहीं देख पाए। चंद्रशेखर जी 7 माह केवल प्रधानमंत्री रहे, वीपी सिंह 11 महीना, HD देवगौड़ा 11 महीना, इंद्र कुमार गुजराल 13 महीना, अटल जी 1998 में केवल 13 महीना रहे। क्या यह देश फिर इसी प्रकार की कमजोर सरकार चाहेगा? देखना, कोई इस प्रकार की मिलीजुली सरकार, अब देश फिर देवगौड़ा और गुजराल के दौर में लौट के नहीं जाना चाहता है। अंत में सौती महोदय, अमेरिका की एक कंसल्टेंट कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट, उसे दिसंबर 2023 में सर्वे किया है, जिसे बताया कि विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता कौन है, तो उनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। महोदय, अंत में नरेंद्र मोदी कहते हैं, जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए चलते रहो, चलते रहो, चरै व्यति, चरै व्यति, चरै व्यति। और अंत में सौती महोदय, ये अमृतकाल का आह्वान है, मुक्त मातृभूमि को नवीन मान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, मुक्त गीत हो रहा, नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। आपसे सौती महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से एक बार, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। डॉक्टर